हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सो आज का वीडियो बहुत ही लास्ट मोमेंट है। मैंने बस आज सुबह ही डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने सारा शिपिंग और पैकिंग जो भी ये चल रहा है बिहाइंड द सीन। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि दिस वीक आई एम अपग्रेडिंग माय आर्ट स्टोर, तो उसमें मैं नए प्रिंट्स वगैरह लॉन्च कर रही हूँ एंड देयर इज अ लॉट हैपनिंग बिहाइंड द सीन। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर विद यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ यू नो हाउ आई पैक एंड हाउ आई शिप। सो दिस इज गोना कवर द एंटायर प्रोसेस। सो अगर आप फ्यूचर में कभी भी यू नो यू गोना पैक और शिप या पेंटिंग, सो दिस वीडियो इज गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। So let's get started and you know cover up everything. We are going to be packing the canvas, we are going to be packing prints and canvas rolls, and I'll brief you everything in detail. So let's get started. So to begin with, सबसे पहले हम frame करने वाले हैं ये stretch canvas. So this is a small size stretch canvas. सो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका सर्फेस बहुत ज़्यादा साफ़ होना चाहिए। यू हैव टू कीप योर सर्फेस क्लीन बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपकी पेंटिंग के साथ आपकी डस्ट भी उनके पास चले जाए। सो आई एम गोइंग टू बी प्लेसिंग दिस बटर पेपर ऑन द बॉटम। इससे बड़ा भी पेपर हो सकता है, ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट यूज़ एनीथिंग दैट यू हैव। हमारा टेबल ऑलरेडी क्लीन है बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस बटर शीट सो दैट मैं इसके ऊपर अपनी पेंटिंग को ऐसे करके रख सकूँ उल्टा करके। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अभी बैक साइड से पेंटिंग क्यों स्टार्ट हो रही है। सो बेसिकली आई लाइक टू स्टार्ट माई फ्रेमिंग प्रोसेस फ्रॉम द बैक साइड। रीज़न बींग, सबसे पहले मुझे पसंद है कि मैं इसकी जो वुड है इसमें एक कोट ऑफ वार्निश लगाऊं। अगर पॉसिबल है तो आप टर्माइट रेजिस्टेंट वार्निश जो आता है वो यूज़ करें। उसका रीज़न ये है कि इसे कभी भी इस वुड को फिर कुछ नहीं होगा एंड देन इट्स गोना लास्ट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई लाइक टू अप्लाई वार्निश ऑन माई वुड एंड देन ऑन द फैब्रिक आई लाइक टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ ग्लॉस वार्निश। सो दिस इज़ अ ग्लॉस वार्निश, यू जस्ट अप्लाई इट यू नो कोट एंड लेट इट ड्राई कम्प्लीटली। देन आई एम गोइंग टू बी एडिंग दीज हुक्स। So these hooks are very important, you know. They really help you in attaching the painting to the wall. Scale ले लीजिए, कुछ भी measuring tape ले लीजिए and then 2.5 inch यहाँ पे mark कर लो and 2.5 inch यहाँ। You can just take 3-3 inches also. So anything that you like and then इसी hook का use करके I just you know do the measurement and just mark it. Sometimes आपकी जब painting ख़त्म हो गई है और जब फिर आप ये हुक्स वगैरह अटैच करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई पॉसिबिलिटी है कि अपनी पेंटिंग को ही ख़राब कर देंगे। बिकॉज यू नो ये हुक है एंड देन आपको इसमें प्लास का भी यूज़ करना पड़ता है, तो अगर बाई चांस अगर ये अंदर प्रिक हो गया तो आपकी पेंटिंग पूरी ख़राब हो जाएगी। सो आई विल सजेस्ट यू कैन डू दिस इन द फर्स्ट स्टेज, जो प्रेपिंग और प्राइमिंग वाली स्टेज होती है ना, ये हुक्स वगैरह आप तब अटैच करवा लें या कर लें। तो अगर इनकेस आपका कैनवस ख़राब भी हो जाए तो आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। सो दैट वे इट्स रियली हेल्पफुल। सो एक को तो मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे खुद अटैच कर लिया है बट राइट नाउ आई एम गोना डू द नेक्स्ट वन। व्हेन एवरीथिंग इज डन देन आई टेक दिस मास्किंग टेप और फिर जो हमारा जो ये कैनवस का फैब्रिक का जो एंड है यू नो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ना चले जाएं या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह रहने ना लग जाएं, उसके लिए आई लाइक टू अगेन टेप इट अप विद अ मास्किंग टेप। We are going to be taking a rope, any cotton, you know, thread, or basically people use nylon wala thread. But मुझे वो बांधने में बहुत मुश्किल होती है, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा स्टर्डी है तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। सो इट्स वेरी ईजी, आपको बस ये थ्रेड लेना है और इस हुक के अंदर इसको डालना है और हुक टू हुक इसे ज्वाइन कर देना है। And then what I'm going to be doing is इसको प्रोटेक्शन देने के लिए आई लाइक टू फर्स्ट कवर इट बाई यूजिंग अ पार्चमेंट पेपर। सो मैनी पीपल यूज़ डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर बट मुझे ऐसा लगता है कि जो यू नो जो ये बटर शीट्स या जो पार्चमेंट पेपर होता है बहुत ही पेंटिंग को बिल्कुल भी आपकी पेंटिंग से चिपकता नहीं है एंड इट गिव्स यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन लेयर। सो फर्स्ट ऑफ यू जस्ट गोना बी कवरिंग इट बाई यूजिंग दैट। आई एम ऑलवेज द वन हु इज मोर एक्साइटेड इन यू नो पैकिंग माई पेंटिंग ऑल बाय माई सेल्फ। आई लव डूइंग इट। टेप कहाँ चला गया? How to just protect it ताकि इसके अंदर कुछ भी prick ना हो जब ये you know shipping में हो। तो जैसे कि ये बहुत ही delicate है, you know it can just be pricked any time. So then we have to add these cardboards. ये same size के cardboards मैंने cut कर लिए हैं और ये ऊपर और नीचे आप दोनों जगह लगाएंगे। Now in case if you want to make it even more sturdy, क्योंकि जब के large size canvas होंगे उसमें ऐसे type के foam boards आते हैं वो आपके यूज़फुल रहेंगे। इस तरीके के फोम बोर्ड्स होते हैं ये आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे, या आप बड़े बड़े शीट्स में आते हैं या अपनी पेंटिंग में कट करके आगे और पीछे वहाँ पे ही लगा सकते हैं। एंड आई एम गोना बी एडिंग दिस बबल रैप, दिस विल इंश्योर टू गिव मोर सेफ्टी टू अ पैकेज। सो आई लाइक टू यूज़ दिस कलर्ड मास्किंग टेप और एनीथिंग दैट यू हैव सो दैट पीपल कैन सी इट
and then specifically remove it from that place only and reuse this plastic. Now this is completely done. Iske corners ko protect karne ke liye, I'm going to be using these kind of corners. Ek bar humne jab ye corners wagera add kar liye hain, then I'm going to be adding this layer of cardboard on the top before finalizing it and before keeping it in the main carton box. This is ready. Now comes the most exciting part, which I completely love, that is adding some personal touch to it. So I just love doing that. Aur ye sara saman main is trunk mein rakhti hu. So this is my favorite section, favorite part in the shipping thing. So let's begin. Once this is done, I do write a thanking letter on these prints and also add a certificate of authenticity inside this. And these are some small tags that I like to paint and, you know, keep them ready beforehand, and I do enjoy painting each one of them. Let's put everything together. So here our package is completely ready. I added this card and I also add a few extra prints to it. And now this is ready to be packed inside the final cardboard. कार्डबोर्ड ढूंढने के लिए पहले हम लोग को जाना होगा इस कमरे में. तो यहाँ पे मैं रखती हूँ सारे डिफरेंट टाइप्स के कार्डबोर्ड, सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं बेसिकली ये. तो इसमें से हम चूज़ करने वाले हैं 12 इंच वाला कार्डबोर्ड और उसमें हम लोग इसको फिक्स कर देंगे. इसको डालने के बाद ऑलमोस्ट हमारी पेंटिंग बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो चुकी है. तो इसके बाद हम लोग इसे बेसिक तरीके से जैसे सिंपल टेप लगाते हैं उसे टेपिंग कर देंगे, और इसके ऊपर लगाने वाले हम लोग शिपिंग लेबल्स. सो पहले हम वो प्रिंट कर लेते हैं एंड देन वी विल पेस्ट इट ऑन द टॉप. फिर से मैं एक फ्रेजाइल टेप लगाती हूँ जस्ट टू मेक इट मोर सिक्योर एंड सेफ. फिक्स दिस क्लिंग फॉयल, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल बट आई लाइक टू डू दिस, यू नो. इससे पेंटिंग और भी ज़्यादा सेफ हो जाती है और बाहर से कवरिंग टाइप हो जाती है, कोटिंग हो जाती है बहुत सिक्योर सी. सो नाउ दिस इज रेडी एंड इट इज़ रेडी टू बी शिप्ड. So here I also want to share with you another packing of this framed paintings. So you can just, you know, follow the same steps like we did in the initial one. Sometimes it might happen that your package might be really small in size and your carton or the box that you have might be larger in size. So all you can do is just cut it from the corner and make it of the same size. Just customize a larger box into a smaller one. So you always have those options, because if you keep that extra gap on the top, so the parcel will keep moving inside, you know, it won't be that safe, it won't be that sturdy. So just do that, just make it short in height, and now as you can see, it completely fits inside on the side because there's some extra space in there. So we are going to add this kind of cardboard so everything remains at one place, and now this is completely ready. And now I want to share with you, in case, you know, whenever you're shipping abroad or you're making a very huge painting, so it's not always possible to, you know, ship those huge canvases because aapki shipping cost bahut zyada lag jayegi, aur in fact wo jaate jaate wo jo shipment hai wo sahi se pahunchega hi nahi, wo bhi sure nahi hai because itna huge piece hai. So it's not going to be that cost effective for you. To uske liye kya karna hai aapko, ki you can always paint on a canvas roll. So जैसे कि आप अपनी पेंटिंग को किसी कैनवस रोल में पहले पेंट करिए. फॉर एग्जाम्पल दिस पेंटिंग. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है, पर ये एक कैनवस प्रिंट है. बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही दिखता है और इसमें कैनवस का टेक्सचर होता है बिकॉज ये कैनवस जो फैब्रिक है उसके ऊपर प्रिंटेड होता है, और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी है. इसलिए बहुत मुश्किल है पता लगा पाना कि ये ओरिजिनल है या ये कैनवस प्रिंट है. और ये जो कैनवस प्रिंट्स है वो किसी भी साइज़ में हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ ऑल्सो अ प्रिंट एंड इट लुक्स कम्प्लीटली ओरिजिनल, सो बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी प्रिंट दैट इट हैज़. सो ऑल दीज प्रिंट्स आर अवेलेबल ऑन माई स्टोर, यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक एट देम. यू जस्ट पुट अ पार्चमेंट पेपर ऑन द टॉप लाइक दिस, and then what you're going to be doing is gently roll it from the corner. Once it is rolled like this and is ready, we are going to be taking this kind of tube. Now what this does is ye isko bahut hi ek protecting layer dega, and you can always, you know, just put it inside it. Just put these caps on the corner so nothing happens to it now, and it's going to be super safe
and it's almost ready to go. You can always put the label, put the tape here on the sides and ship it directly, but I don't like to do that. I think it does not look, you know, pleasing at all to me to send it directly like this without a good covering and without any kind of protection. So I first like to create a beautiful experience to my collectors, thanking them when they receive it and, you know, they feel good about having a product and a painting in their hand. So this is how I get it ready first. And then for the outer covering, for the outermost part, I like to add this final safety layer of this paper cover tube. You can always use this or even use PVC pipe according to the size of your roll, you know. So you can always customize the PVC pipe according to the size of your roll as well. And now this is done. And now moving on to the prints. So these are all the new prints that you'll be able to find in the store this time. So they're all made on archival paper and archival ink, and I really liked how they turned out to be, because you know, you have to do a lot of trial and you have to see that the product is really nice, only then you can just put it up there. And then we also have these small mini prints. So ye char you know, ek set mein char prints aate hain. So this is also one small set of painting prints that are available. Uske sath sath you can also find these stretched paintings jo ki prints hain. So they are actually stretched canvas mein prints. So these are also a great way of, you know, just putting up your work, just getting it printed, and this is something that is loved by many of you. So we just keep uploading it on the store and you'll be able to find the stretched canvas print as well. So your print section mein sara ka sara all these things are there. And now let me just go ahead and show you how do we pack, and let's start with the small ones first. These ones. These prints come signed along with a thanking note and then wrapped in a parchment paper. And for the support, I do add these cardboard at the back so that it doesn't bend at all. And then pack it on an envelope like this, which is already a bubble wrap inside. So it has a very good protecting layer already present inside it. And now this is ready. So one tip here, if in case you're packing a lot of prints on one day, so you can save your time on this seal thing by using a glue gun, as it dries very quickly and you'll be able to pack multiple packages very quickly. Prints which are a little larger than this can also be packed on envelope. The only thing is that I keep in mind not more than 8 by 10 inches or maximum 12 inches only I pack on this. Rest I like to pack on these, you know, tubes. So this makes it very strong and sturdy. So what I do is just I just wrap it inside this tube so that it's completely safe, and then pack the corners. And then at the end for the final packing, I do put it inside a box like this. And now this is done and it's ready to go. This was all about how I pack my stretch canvases, my prints, and the large canvas rolls that you can pack and send it away very easily. So this is how I like to ship and pack my paintings. I hope you found this useful, and a big thank you to all my art collectors and buyers in the past. Thank you so much for finding my artwork a place in your home. It means the world to me. Thank you so much. And if in case you wish to buy any of my artworks, there is a 10% discount going on there in my art store in all my originals and prints. So you can check out the link in the description box below, and I'll see you very soon in my next one. Till then, take care and thanks for watching. Bye.